अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे शीज़ुल्फ़कार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट MBBS 2023 की फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट के हवाले से। तो दोस्तों, शीज़ुल्फ़कार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से गवर्नमेंट MBBS की तमाम तर कैटेगरीज़ की इस एफिलिएटेड जो कॉलेजेस हैं, दो कॉलेजेस, उनकी जो है पहली मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है तमाम तर कैटेगरीज़ की। तो इस वीडियो में हम उस हवाले से बात करेंगे, वन बाई वन में आपको दोनों कॉलेजेस की जो है मेरिट लिस्ट के मतलब बताऊँगा और तमाम तर कैटेगरीज़ का जो है वो क्लोजिंग मेरिट जो है वो कितना रहा वो भी आपके साथ जो है इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो आप शीज़ुल्फ़कार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर भी जो है मेरिट लिस्ट देख सकते हैं और शेख खलीफा बिन जायद अल नहान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर और फेडरल मेडिकल कॉलेज FMDC जिसको कहते हैं उसका भी जो है वो मेरिट लिस्ट जो है पहली मेरिट लिस्ट जो है जारी कर दी है। तो अब हम चलते हैं मेरिट लिस्ट की जानकारी। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है जी, फर्स्ट मेरिट लिस्ट है शेख खलीफा बिन जायद अल नहान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर की। यहाँ पर अगर हम देखें तो 29 दिसंबर 2023 यानी परसों शाम 4 बजे तक जो है आप जो है फ़ीस जमा करवा सकते हैं और यही तमाम तहसीन जो है वो FMDC का है। FMDC में भी जो है वो 29 दिसंबर तक जो है वो फ़ी आप जमा करवा सकते हैं। उसके बाद जो है अगर कोई सीट्स खाली रहती हैं, स्टूडेंट्स इसमें फ़ी पे नहीं करते, तो उस पर जो है नेक्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो लगा दी जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें ओपन मेरिट की, 6 सीट्स हैं और ओपन मेरिट का हमारे पास यहाँ पर क्लोजिंग मेरिट जो है 95.681818 यहाँ पर जो है क्लोजिंग मेरिट है। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास आज़ाद जम्मू कश्मीर की, 2 सीट्स हैं, 94.6954 यहाँ पर क्लोजिंग मेरिट है। बलूचिस्तान की 5 सीट्स हैं, 90.5863 क्लोजिंग मेरिट है। फाटा का यहाँ पर 92.7636 जो है क्लोजिंग मेरिट है। उसके बाद जो है हमारे पास जो है GB है, गिलगित बल्तिस्तान, 94.1454 यहाँ पर क्लोजिंग मेरिट है। उसके बाद KP की टोटल 9 सीट्स हैं और इसमें जो है वो हमारे पास 94.1590 यहाँ पर क्लोजिंग मेरिट है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी जो मेन कैटेगरी है, पंजाब इंक्लूडिंग इस्लामाबाद सिटीज़न, तो उसमें जो है वो हमारे पास जो है इस्लामाबाद के कैपिटल टेरिटरी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं पंजाब के, टोटल 38 सीट्स हैं, 93.93188 यहाँ पर क्लोजिंग मेरिट है। सिंध की अगर हम बात करें तो 92.8106 यहाँ पर जो है हमारे पास क्लोजिंग मेरिट है इसका, सिंध का। और उसके बाद सिंध का अर्बन का अगर हम देखें तो 91.1663 यहाँ पर जो है क्लोजिंग मेरिट है। उसके बाद जो है हमारे पास जो है फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कोटा है 93.5363 यहाँ पर क्लोजिंग मेरिट है। और उसके बाद फॉरेन कोटा में 88.495454 यहाँ पर जो है क्लोजिंग मेरिट है। तो ये हमारे पास जो है डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं हमारे पास जो हैं यहाँ पर शेख खलीफा बिन जायद अल नहान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर की। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे पास जो है FMDC की लिस्ट की। तो दोस्तों, ये हमारे पास जो है फेडरल मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद की मेरिट लिस्ट है ओपन मेरिट की। हमारे पास यहाँ पर 6 सीट्स हैं, 95.6818 यहाँ पर जो है वो क्लोजिंग मेरिट है। उसके बाद हमारे पास आज़ाद जम्मू कश्मीर की 2 सीट्स हैं, 94.695454 यहाँ पर क्लोजिंग मेरिट है। बलूचिस्तान का 90.5863 क्लोजिंग मेरिट है। फाटा की 2 सीट्स हैं और इसमें हमारे पास 92.7636 क्लोजिंग मेरिट है। फेडरल की हमारे पास जो है टोटल 10 सीट्स हैं, 93.2045 यहाँ पर क्लोजिंग मेरिट है। GB में हमारे पास जो है 2 सीट्स हैं, 94.1454 यहाँ पर क्लोजिंग मेरिट है। KP की टोटल 9 सीट्स हैं, 94.1590 क्लोजिंग मेरिट है। उसके बाद हमारे पास जो है पंजाब की जो है वो हमारे पास यहाँ पर जो है 38 सीट्स हैं, तो यहाँ पर 93.9363 यहाँ पर क्लोजिंग मेरिट है। सिंध रूलर की जो है वो हमारे पास 92.8106 क्लोजिंग मेरिट है और सिंध अर्बन का जो है हमारे पास 91.1663 क्लोजिंग मेरिट है। इसके बाद फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की 9 सीट्स हैं, तो उसमें जो है वो हमारे पास 93.5318 यहाँ पर जो है क्लोजिंग मेरिट है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों लिस्टों में हैं, यानी FMDC की लिस्ट में भी है और शेख खलीफा बिन जायद अल नहान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर की भी लिस्ट में। तो वो स्टूडेंट्स जो हैं मैक्सिमम जो है एक कॉलेज को ही सिलेक्ट करेंगे, तो जिसकी वजह से दूसरे कॉलेज में जो है वो सीटें खाली हो जाएंगी। तो इसी लिस्ट में से काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं लिस्ट में से जो है वो सीटें इनमें खाली होने के चांसेस हैं। और दूसरा ये है कि जब जो है UHS की नेक्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी गवर्नमेंट MBBS की, तो उसमें भी जो है उस लिस्ट से जो है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स निकल कर इन लिस्टों में आएंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि टोटल जो है 80 से 90 के करीब जो है सीट्स हैं पंजाब की और इस्लामाबाद की, तो उस तरह जो है वो वहाँ से भी स्टूडेंट्स यहाँ निकलेंगे लिस्ट से।
तो उसमें भी जो है वो मेरिट नीचे जाने के चांसेस हैं। तो दोस्तों ये थी तमाम तर इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स काफ़ी देर से जो है इंतज़ार कर रहे थे शीज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्टों का, तो अब उसकी भी जो है मेरिट लिस्ट लगा दी गई हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतने मिलेंगे कि वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।